बच्चों आज का जो वीडियो है ये आपके लिए है। इन सर्दियों में प्रोटीन हमें अच्छे से खाना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी लाई हूँ और ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो बच्चों ये देखिए, ये बढ़िया सी मैंने मूंगफली ली है, एक बोल ले ली है, कोई नाप तोल की जरूरत नहीं है। ये मूंगफली भी देखिए, ये मूंगफली भी देखिए, दोनों को ही मैंने छीला है। जो ब्राउन वाली मूंगफली है ना, उन्हें मैंने छिलके वाली मूंगफलियों से छीला है। मतलब जो बड़ी बड़ी मूंगफली हम खाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो ले लेते हैं, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म मूंगफली मिलती हैं, ये वही वाली मूंगफली है। और जो ये सफ़ेद सी दिख रही है ना, ये वो हैं जो हम एक किलो आधा किलो का पैकेट मंगाते हैं, फिर इसे कढ़ाई में थोड़ा भूनते हैं, फिर छील लेते हैं। तो आपको जो भी मिले बना सकते हो, पर कोशिश यही करना थोड़ी डार्क कलर की भुनी हुई मूंगफली लेना, उसी से ये पीनट बटर बनाना। हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, कोई नमक नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई ऑयल नहीं, बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने ले लिया हनी। सारे मूंगफली को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। अब ये एक छोटी सी ट्रिक है, लगेगा सिर्फ एक मिनट। आपको करना क्या होगा, पहले पल्स मोल्ड पे चलाइए। पल्स पे मतलब चलाना है रोकना है, चलाना है रोकना है, जिससे क्या हो, मूंगफली पहले क्रश हो जाए। जब क्रश हो जाएगी तब आप कंटिन्यूसली इसे ग्राइंड करें। ऐसा करने से ये मूंगफली बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। यूं तो बच्चों हमें पीनट बटर अक्सर कहीं भी मिल जाता है, हमें हम ले लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन पीनट बटर जब घर में बनाएंगे सिर्फ एक मिनट में बनेगा। और आपकी आंखों के सामने आपने क्या इसमें यूज किया है, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, कोई शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। ये देखिए पहले क्रश हो गई है, अब मैं इसको एक बार मिक्स करके अब इसे कंटिन्यूसली बनाऊंगी। तो ये मूंगफली जो है ना अपना ऑयल छोड़ेगा। एक चीज और बात बताती हूँ, इसका पीनट बटर बनाने से पहले आप पीनट को थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, जितनी ज्यादा ठंडी होंगी ना उतना ही बन जाएगी फटाफट। अब देखिए धीरे 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 ये ग्राइंड हो रही है। जरूरत लगे तो एक आध बार बीच में आप खोल के उसे चला सकते हैं, वैसे मुझे जरूरत नहीं लग रही है। ये साइन है इसका, ये देखो कैसे मूव हो रही है, और जो ऑयल है ना वो थोड़ा निकलना शुरू हो गया है। ये मूंगफली थोड़ा गीली हो गई है, तो मिक्सी के जार के ढक्कन पर भी आप देखिए उस पर छींटे आ रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा ये पीनट बटर बन चुका है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हो, पर क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा हनी डालने वाली हूँ, आप चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा सा 2 पिंच नमक भी डाल सकते हैं। वैसे कई लोग इसमें पीनट ऑयल भी डालते हैं, कोई दूसरा ऑयल मत डालिए क्योंकि वो फिर खराब लगेगा। आपको पीनट ऑयल है तो वो डाल सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, सर्दियां भी हैं तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको बस हनी से ही काम हो जाएगा। एक बार और चला लेते हैं, अब इसे निकाल लीजिए। पूरे 1 मिनट में आपका पीनट बटर बनके तैयार हो गया। ना कोई केमिकल डाला, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डाला, ना ही कोई शुगर डाला, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑयल डाला है। अब इसे रखेंगे जिसमें, तो वो जार होना चाहिए बिल्कुल साफ, धुला हुआ और साफ सूखा होना चाहिए। बस इसे रख दीजिए, डाइनिंग टेबल पर रखिए, गर्मा गर्म ब्रेड को टोस्ट कीजिए और इसके ऊपर एंजॉय कीजिए। बच्चों को बेहद पसंद आता है, और पीनट बटर बच्चों को हमेशा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इस पीनट के अंदर। जितना प्रोटीन हमें बादाम में मिलता है उतना ही प्रोटीन हमें पीनट से भी मिलता है, तो क्यों ना खाएं ये पीनट। बस ये बन गया है, इसे ब्रेड पर लगाइए और एंजॉय कीजिए। बच्चों कैसा लगा ये पीनट बटर बनाना सिर्फ 1 मिनट के अंदर? इसे ब्रेड सेक कर बढ़िया सा एंजॉय करिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।